इंटरन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर मीर जमाल जार खान। SKM 91 न्यूज चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। मासूम बच्ची को अगवा करने के मामले को बहादुरपुरा पुलिस ने 5 घंटों में हल करते हुए मासूम बच्ची को बाहिफाजत बाजियाब कर लिया गया। प्रेस मीट मुनाक़िद करते हुए DCP साउथ जोन पी साई चैतन्या ने बताया कि बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के तहत किशनबाग पार्क से एक मासूम बच्ची को अगवा कर लिया गया था, जिसके बाद मुतासरीन ने मुतालिका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। बहादुरपुरा पुलिस फौरी हरकत में आते हुए 3 टीमें तश्कील दी और क्राइम टीम साउथ जोन के साथ मिलकर CCTV फुटेज की मदद से बच्ची की तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद अगवा के मामले को हल कर लिया गया। 2 मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त नसीम बेगम 62 साल और आयशा बेगम उमर 32 साल के तौर पर की गई है। बताया गया है कि मुतासरीन किशनबाग पार्क में घूमने गए थे। खेल कूद में मासूम बच्ची फैमिली से अलग हो गई, जिसका फ़ायदा उठाते हुए नसीम बेगम ने मासूम को अगवा कर लिया। मुलजिमीन ने बताया कि आयशा को कोई औलाद नहीं थी, इसलिए इस मासूम बच्ची को आयशा के हवाले करने के लिए इन्होंने बच्ची को अगवा करने का मंसूबा बनाया। नसीम बेगम ने बच्ची को अगवा करके गलियों में घूमते हुए आयशा के हवाले किया। आइए देखते हैं इस खसूस में चंद मजीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे जहांगीर की यह खास रिपोर्ट में। SKM 91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ। हर अहम और खास खबर के लिए आपके अपने न्यूज़ चैनल SKM 91 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। किडनैप केस को सक्सेसफुली बहादुरपुरा पुलिस ने ट्रेस किया। कल अराउंड 3 o'clock शाम दोपहर का 3 बजे के आसपास किशनबाग पार्क से 1.5 साल की बच्ची को किडनैप किया गया और हमारा जैसे कंप्लेंट आया तकरीबन 7 बजे के आसपास कंप्लेंट आया, तो पूरा टीम बन के टोटल 4 टीम्स बना के 3 टीम बना के पूरा 100 से ज़्यादा CCTV कैमरा चेक करके हम लोग उनको ट्रेस करके जो किडनैप किया और जो बच्ची को दोनों को विद इन 5 घंटे के अंदर ही हम लोग उनको बच्ची को सेव कर पाया और उनको पेरेंट्स को हैंड ओवर किया। डिटेल्स पे जाएंगे तो एक्चुअली कल शाम को 3 बजे के आसपास बच्ची का जो फैमिली है सभी लोग पार्क पे आए थे किशनबाग पार्क में, तो जो टिकट्स खरीदने गए थे तो बच्ची बाहर उनके ग्रुप से बाहर आ गए, तो अक्यूज जो है नसीम बेगम ये भी किशनबाग के रहने वाले महमूद नगर की, तो उनका जो बच्चों पे एक बेटी है आयशा बेगम सबसे बड़ी है, जिनका कोई बच्चा नहीं है, तो ये जो विक्टिम बच्चे को चुरा के किडनैप करके बस आयशा बेगम को देने का प्लान पे था और वैसे ही वो कल ये जो विक्टिम को पास कोई नहीं था तो देख के वो 1.5 साल की बच्ची को किडनैप कर लिया नसीम बेगम ने और गलियों से फिरते हुए अपने जो बड़ी बेटी है आयशा बेगम को देने के लिए गए थे, आयशा बेगम को हैंड ओवर भी किया था। तो ये सारी कोई ये इल इंटेंशन जो छोटी बच्ची जो बोल नहीं पा रही है उसको किडनैप करना और किडनैप करके कोई दूसरे को देना पूरा एक प्रॉपर किडनैपिंग का हिस्सा बनते हैं। तो हमारा जैसे कंप्लेंट आया तो तुरंत हमारा टीम सारी बहादुरपुरा पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया कि टीम डिवाइड करके हर एक CCTV कैमरा जो किशनबाग पार्क से जा रहे थे और जिसके ऊपर डाउट सारी वेरीफाई करते हुए वो हम लोग इतना तक फॉलो किया कि कौन सी ऑटो पे चढ़ी कौन सी ऑटो पे उतरी वहाँ तक हम लोग फॉलो करते हुए उनके घर तक पहुँचे, तो रास्ते में हम लोग उनको इंटरसेप्ट कर पाया। ये तारबन क्रॉस रोड पे हम लोग को वो ऑटो से उतरते हुए हम लोग फॉलो करते हुए गए तो उन लोग को पकड़ लिया एंड बच्चे को तुरंत उनके पेरेंट्स के पास हम लोग पहुँचाए। ये सारी ऑपरेशन जो है सुधाकर ACP फलकनामा के सुपरविजन पे हुआ था और इंस्पेक्टर श्रीशैलम DI बहादुरपुरा और SI श्रीकांत भिक्षम मल्लारेड्डी नर्मदा सभी लोग मेहनत किया और क्राइम टीम बहादुरपुरा का क्राइम टीम था और फलकनामा का तालापत्र का क्राइम टीम सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट किया। सभी लोगों को हम बधाई बात बोल देता हूँ कि तो इतना अच्छा काम है एक आजाद बच्ची एक छोटी बच्ची मासूम बच्ची को उन लोग ने रेस्क्यू करके फिर अपना माँ बाप के पास पहुँचा है, तो उसके लिए हम सभी लोग को अप्रिसिएशन भी दे रहे हैं एंड साथ साथ कैश अवार्ड भी दे रहे हैं। अभी बाहर जाते अपने छोटा बच्चे जो बोल नहीं सकते छोटे बच्चे जो भी जो बोल नहीं पाते उन लोगों को खासतौर पर ज़्यादा ध्यान रखना है, सबको ऊपर ध्यान रखना बट जो छोटे बच्चों के ऊपर और खासतौर पर ध्यान रखना है क्योंकि तो वैसे कुछ कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स हो सकते हैं जो पकड़ के लेके जाने के लिए कोशिश करें।
अब आपके थ्रू सभी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब बाहर जा रहे तो खास करके ध्यान रखें, और साथ साथ जब भी कोई आपको दिख रहा है कि एंटी सोशल एलिमेंट या कोई भी बंदा है जो किडनैप करने गया है या कोई और गलत तरीका का सोच रहा है या गलत तरीका कोशिश करने की कोशिश कर रहा है, आपके पास इन्फॉर्मेशन है तुरंत आपको इंटीमेशन दे दीजिए। इनके साथ को भी एक डाउट आ सकते हैं कि हाँ कभी आप भी जाते तो कभी कोई बच्चा कहीं घूम गया तो तुरंत पुलिस लोकल पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। हम लोग चाइल्ड लाइन के हेल्प लेके उन लोगों को बच्चों को अपना उनका माता पिता के पास पहुंचाने का कोशिश एफर्ट हम